अक्षय कोतवाल। हाँ कोतवाल। चलो 200 भाई, भाई के आप साउंड सुन सकते हो भाई। ओ भाई गजब गजब। ओ भाई भाई कर क्या रहा है भाई, मेरा पिछला टायर बिल्कुल खत्म है। आगे निकल के करना भी क्या है साउंड, यानी कि देख के दिल को सुकून आ गया आज तो। अगर जिस चीज़ को ये वाली जगह अच्छी लगी होगी ना, वो कमेंट में बता सकता है कि आपको ये वाला लोकेशन कैसी लगी यार। आगे देख रहे हो ट्रैफिक वाले। बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्षय कोतवाल। तो आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, तो बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज का व्लॉग है जो हो रहा है वो आफ्टरनून से स्टार्ट, और वो देख रहे हो आप कहीं अलग वाली लोकेशन के से हो रहा है शुरू। मुझे खुद नहीं पता, मैं जा रहा था अभी कटरा, तो यहाँ से बंदा एक मिला मेरे को, बोलता भाई आप दुमेल से मत जाओ, तो आप ये वाला रास्ता लो, बिल्कुल शॉर्टकट है आपको। तो आज तक मैं यानी इस वाली साइड आया नहीं, ना मैंने किसी का ब्लॉग वगैरह देखा इस साइड की, भाई ये रास्ता कहाँ से है। रास्ता भी काफ़ी बढ़िया है, ये देख रहे हो आप, एरिया देख रहे हो, जगह भी देख रहे हो, रोड भी देख रहे हो, एकदम से एक नंबर रोड है गाइज। ये आपको मिलेगा जहाँ पर DPS स्कूल है कटरा, जो हॉस्पिटल वाली रोड है श्री माता वैष्णो देवी, वहाँ DPS स्कूल के ऑपोजिट से आपको राइड मारना है, तो वहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट बोलते हैं कटरा के लिए निकल। तो आई होप आप सब लोग में बढ़िया होंगे, तो बढ़िया ही होने चाहिए गाइस। कैसी है अपनी YouTube फैमिली कमेंट वगैरह में बता सकते हो आप। ओ भाई चेक कर रहे हो गाइस, यहाँ से सामने सिटी कितनी प्यारी दिख रही है कटरा वाली। ओ ये देख रहे हो ट्रेन, आए हाय 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 गजब है यार ये वाली जगह तो। मेरे को सही नहीं थे इतना ज़्यादा शॉर्टकट रास्ता है भाई, 5-7 मिनट। ओ भाई यहाँ से यार क्या बात है, लव यू यार गाइस, एक अलग वाली फील है यार यहाँ पे। यहाँ पे तो रुकना पड़ेगा, यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा। ओए होए होए देख रहे हो गाइस, जगह चेक करो यार आप, लोकेशन चेक करो। यहाँ से सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना माता रानी वैष्णो देवी का, ओह 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 कसम से यार इतना ज़्यादा प्यारा व्यू दिख रहा है मेरे को, तो हद से ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ पे, ये देख रहे हो। और इस बीच अपनी यहाँ पे धनो भी खड़ी है, ये देखो इसकी भी लुक चेक करो। आज मैंने सुबह सुबह इसको वॉश तो नहीं कर पाया, लेकिन कपड़ा वगैरह मार के बिल्कुल फ्रेश कर दिया था। और ट्रेन का काम भी लगा है गाइस, यहाँ से आगे अभी ट्रैक बिछाया जा रहा है। लेकिन मेरे को तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, यहाँ से जो ये वाली चीज़ है ना, ये अनबिलीवेबल चीज़ है यार, यानी कि देख के दिल को सुकून आ गया आज तो। अगर जिस चीज़ को ये वाली जगह अच्छी लगी होगी ना, वो कमेंट में बता सकता है कि आपको ये वाला लोकेशन कैसी लगी यार, दिल को लगी ये तो। यहाँ से निकलते हैं, पहचान तो सभी को आई होगी कि किस वाली जगह पे हूँ, फटाफट से। ओहो मुझे नहीं पता था कि यहाँ से इतना ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकता है, लेकिन जब बंदा देखता है ना तब जाके पता चलता है यार। ओ भाई क्या बात है, देख रहे हो भाई, कुछ रिएक्शन मार रहा था पीछे। भाई मेरे टायर में पिछले बिल्कुल भी हवा नहीं बची, लेकिन मेरे को पहले ही पता था ये ऊत जैसा वैसे ही देख रहा था कि ये कुछ ना कुछ करेगा।
इस वाली साइड आज आके लेकिन दिल खुश हो गया यार मेरा तो, यानी कि इतनी प्यारी लोकेशन थी ना गाइज, मैं कुछ बयां नहीं कर सकता। यहाँ से नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे एक ही बात है। ऑटो वाला देख रहे हो, इधर ऑटो वालों का बड़ा आतंक है यार, एक यहाँ से निकलेगा दूसरा वहाँ से, ये देखे क्या क्या कर रहा है भाई। ओह कोरा भाई, क्या बंदे यार, कर क्या रहे हैं, चल क्या रहे हैं, मतलब कि किसी को कोई परवाह ही नहीं भाई, अगला बंदा भी आ रहा है उसको बजेगी या नहीं, नहीं भाई फर्क ही नहीं है। रियासी 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 जा रहा हूँ, हाँ नहीं आज इधर थोड़ा काम था इसीलिए अकेला। हाँ मैं अक्षय कोतवाल, हाँ हाँ आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा ये साइड नहीं पकड़ते साइलेंसर वगैरह? क्यों कोई नहीं पकड़ता? नहीं आज मसला ये है ना कि ऑनलाइन का बड़ा खप पड़ी है ना, जम्मू में बड़ी बुरी हालत है। वही ना, हेलमेट नहीं डालोगे कोई रोकेगा कोई भी नहीं। अक्षय कोतवाल, हाँ कोतवाल। हाँ यही वाला, ठीक है भैया, थैंक यू भैया, ओके भैया, पक्का पक्का शाम को देख लें, कल शाम को हाँ चलो 200 भाई, बाइक की आप साउंड सुन सकते हो भाई, ओ भाई गजब गजब, ओ हो भाई भाई के भाई चल क्या रहा है भाई, को थोड़ा चेज करना पड़ेगा अब तो भाई, इतना गंदा भी चलता है कोई? भाई कर क्या रहा है, इतनी गंदी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए भाई। भाई मेरा पिछला टायर बिल्कुल खत्म है, भाई तो दिखने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। भाई ओ भाई पटाखे पटाखे देख रहे हो भाई, करना भी क्या है, साउंड चेक करो गाइस, साउंड सुनो आप भाई की, भाई इतना लीन कर रहा हूँ भाई, देख रहे हो चाचा वगैरह का रिएक्शन देख रहे हो, कभी जरूर इंस्टा पे क्या ना? चलो ठीक ओके भैया। भाई भाई मिले थे अभी यार, मतलब कि एंड लेवल इन्होंने बाइक चलाई यार, बंदा यानी कि मैं मान भी नहीं सकती, यानी कि वो भी अब अगर होती ना स्पोर्ट्स बाइक तो बंदा मानता यार स्पोर्ट्स है, भाई के पास यार रॉयल एनफील्ड थी और जिस हिसाब से कट बज रहे थे ना एंड लेवल वाले यार, इतना तगड़े तगड़े कट भाई, गजब। पीछे आपने देखा ही होगा यार, एक भाई के साथ ज़बरदस्त बाइक चला रहे थे, वो बोलते हैं चलो आगे तक चलते हैं साथ में, तो मैंने बोला चलो फिर चलते हैं, लेकिन भाई ने यार मतलब कि आगे निकलने का मौका ही नहीं दिया,
और मैं निकल भी नहीं रहा था क्योंकि एक दो बार हम बहुत क्लोज आ गए थे। मैंने सोचा अगर हम आगे जाएंगे तो इनको शूट कौन करेगा, बस इसी चक्कर में मैं आगे नहीं निकला। बाकी ऐसे भाई ने यार बाइक बहुत ही तगड़ी वाली चलाई थी, तो भाई आपका जा रहा था रियासी, तो रियासी जाते जाते एक भाई मिल गया था, लेकिन अलग मज़ा आ गया यार चलाने का बाइक किसी के साथ। और बाकी मैं भाई ये वाली जगह देख के ना यार, जब हम लास्ट टाइम केदारनाथ गए थे पिछले साल, तो वहाँ पे यानी कैसे दोनों साइड से दरख्त थे और बीच में से रोड, बहुत ज़्यादा प्यारा वाला व्यू था। वो पुलिस वाला दिख रहा हो कैसे दिख रहा हो, तो मुझे वो वाली याद आ गई यार, क्योंकि वहाँ पे भी वह सेम जंगल था यार। थोड़ा एक ही महीना था बच्चा बीच में, मार्च अप्रैल मई में तो हम गए थे पिछले साल। इस साल भी अगर हमारे भोलेनाथ ने बुलाया तो हम ज़रूर जाएंगे। क्या ही चलेगा यार बंदा ऐसे जैसे रोड पे, ऐसे जैसे रोड पे और कुछ नहीं, सिर्फ टायर की बज जा। ओ भाई फुल पावर भाग रहे आज तो। ओ भाई देख रहे हो ट्रैफिक वाले, मैं उधर से यानी इस लेवल से आया था ना, मैंने इनको देखा ही नहीं था यार। जैसे कि आप लोगों को पता है यार, सुबह का पहुंचा था मैं यहाँ पे, तो अभी अपनी यहाँ पे लगी है बीस्ट, तो यहाँ से निकलते हैं। मैं रियासी में भी यहाँ पे अपना एक कमरा यार, आज आपका भाई वहीं पे जाके बैठेगा, उसके बाद देखते हो सोनी सोनी लड़कियाँ देख रही हैं। यहाँ से निकलते हैं सबसे पहले, दीदी क्या देख रही है, ये देख रहे हो गाइज, एक पे तीन तीन, एक पे दो, कोई हेलमेट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये होते हैं मज़े गाइज, अपने एरिया के यही मज़े हैं। तो आपका भाई फाइनली आज 15 दिन के बाद अपने रूम पे जा रहा है। बोलो चलो जो व्लॉग बनाया था उसका एंड वगैरह कर लेते हैं गाइज़।